अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ चिकन पोटैटो कटलेट्स रेसिपी, जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन पोटैटो कटलेट्स। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें जो हमें चाहिए होंगे। आलू लिए हैं 1 kg, बॉईल कर लिया उनको। बोनलेस चिकन 500 ग्राम, और यूँ बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। हरी मिर्चें अगर छोटे साइज़ की हैं तो 3 से 4, 1 खाने का चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, नमक हसबे जायका या 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। बॉईल किए हुए आलूओं को मैश कर लें मैशर से या हाथों से। आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तो उसमें शामिल करेंगे चिकन और बाकी सब इंग्रेडिएंट्स। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथों से चाहें या चम्मच से चाहें, जिस तरह आपको आसानी हो। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब बनाएंगे कटलेट्स। कटलेट्स बना ली हैं, अब इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल गरम कर लें पहले, और अब अंडे में डिप करके इनको फ्राई करेंगे। एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, अब दूसरी तरफ से करेंगे और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें इन्हें। चिकन पोटैटो कटलेट्स रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। इसके साथ मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।